पीएच देसारी फ्रॉम ओवरसीज मेडिकल स्टडी डॉट कॉम। दोस्तों आज मैं एक वीडियो जो ये अभी बना रहा हूँ, इसका रीजन ये है वीडियो को बनाने का कि अभी हम लोग सोशल नेटवर्क पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट ने एक लेटर लेकर के उसे काफी वायरल कर दिया है। और वायरल करने का वजह यह है कि विदाउट नीड जो बच्चे हैं या अनक्वालिफाइड बच्चे हैं उनका एडमिशन वगैरह जो है वो हम उठा लें कोर्ट डिसीजन से पहले। और इससे कहा जा रहा है कि ये कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये कोई हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है, ये किसी का ये एक पिटीशन है, ठीक है, जिसको मार्केट में फैलाया जा रहा है और बच्चों को थोड़ा सा मिसगाइड किया जा रहा है वीडियोस बना बना करके। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे वीडियोज पे ध्यान ना दें, ऐसे कंसल्टेंसीज के वीडियोज पे ध्यान ना दें जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ये जो लेटर है ये मेरे पास भी है और मैं बता रहा हूँ कि ये जो लेटर है आपका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करके हमारे पास ही पहुँचा है। ये कोई शहारुल हमीद के एस हैं, बिग स्ट्रीट तमिलनाडु, ठीक है। ये एक पिटीशन जो डाला गया था ये उसकी कॉपी है, ठीक है। और नीचे में जो है अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित बिस्वास करके कोई हैं सर, जो इनका सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ कंसल्टेंट इसे कैश करना चाह रहे हैं, तो प्लीज ऐसे वीडियोस से बचें। और कोर्ट का डिसीजन अभी नहीं आया है, हाँ ये बात हकीकत है कि एक पिटीशन डाला गया है, वो लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक पिटीशन डाला गया है कि जो बच्चे नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं या नीट का एग्जाम नहीं दे पाए हैं या जिनको जानकारी नहीं थी कि फॉरेन जाने के लिए भी नीट की जरूरत है, उन बच्चों ने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाला है जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है, शायद कुछ वक्त और लगे। तो हम लोगों ने भी एक प्लान किया है, उन बच्चों से हमें एक सपोर्ट चाहिए, उन बच्चों का जो बच्चे नीट नहीं दिए हैं या उन बच्चे उन स्टूडेंट से जो इस बार नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन स्टूडेंट से हम एक सपोर्ट ये चाहते हैं कि आप लोग अपना एक मेरा एक मैं एक फॉर्म अभी अपलोड कर रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ मैं इस पर, आप इस पर क्लिक करोगे वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उस पर आप अपना नीट का जो आपका जो रिजल्ट है उसे आप अटैच करके और सारे डिटेल्स जो आप भर के भेजिए। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे इसे हाई कोर्ट में ले करके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम से जुड़े और हम लोग स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर के इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, हाई कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट के पास ले जा करके हम लोग इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वक्त रहते हुए हमें एडमिशन लेने का मौका मिल जाए, हमारा साल बच जाए, ठीक है। ये जो मामला था कि जो बच्चे नीट क्वालिफाइड नहीं किए हैं वो फॉरन एजुकेशन ले सकते हैं कि नहीं, इस बार एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी मामला आ रहा है कि वो बच्चे जो नीट में अपियर ही नहीं हुए हैं वो बच्चे जा सकते हैं, और जो बच्चे नीट अपियर हुए हैं और अनक्वालिफाइड हो गए हैं तो वो बच्चे नहीं जा सकते हैं। ये तो थोड़ा सा अनजस्टिफाई लग रहा है मुझे भी कि जो बच्चे नीट अपियर हुए हैं आप उनको चांस नहीं दोगे और जो बच्चे नीट में बैठे ही नहीं आप उन्हें चांस दे रहे हो, दोनों के लिए आप बराबर करो, यही हमारा ऑनरेबल कोर्ट से एक रिक्वेस्ट है। और इस रिक्वेस्ट को हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके ऑनरेबल कोर्ट के पास हम लोग इस चीज़ के लिए जाएँ। तो ये हमारा ये एक लिंक है, आप इस पर क्लिक करें आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, या हमारा जो नंबर है मैं जो अभी इस कॉल कर रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से इस फॉर्म को आप मंगा सकते हैं और मंगाने के बाद इसको फिल करके आप मुझे भेजिए। जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हम लोग कोर्ट पहुँचेंगे, कोर्ट पहुँच करके हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जल्द से जल्द जो ये फैसला है हम स्टूडेंट्स के बीच में हम स्टूडेंट्स के फेवर में दिया जाए, हमारा साल बर्बाद होने से बचाया जाए। और आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़िए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस चीज़ में हो सकता है कि हम लोग कामयाब हो, जाहिर सी बात है कि हमारा भी फायदा है और सिर्फ हमारा नहीं आप लोग का, हमसे ज़्यादा आप लोगों का फायदा है। आप लोग भी इस चीज़ को देखिए और इस जो हमने जो एक मुहिम छेड़ी है, जो हम एक चीज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग भी जुड़िए और आगे बढ़िए।
और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म वगैरह आप सबमिट कीजिए, जितना जल्दी हो सके 2-3 दिन के अंदर, ये जितने भी हो आप लोग अपने डिटेल्स भर करके इस फॉर्म पे, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, और अपना नीट का मार्कशीट मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, हमारा मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, सारा कुछ मेंशन है, आप उसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।